नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग में लगभग एक हफ्ते का वक्त बाकी है और इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और ये तमाम वोटर हैं। अब क्या सोचकर पहले चरण के वोटर बटन दबाने वाले हैं, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं? 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, एनडीए की सरकार देखी, अब एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। चूंकि 6-7 दिन बच गए हैं पहले चरण के चुनाव में, मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 पार, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं होगा इस बार 400 पार। क्यों लगता है? क्योंकि उनने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। हाँ। बेरोजगारी। हाँ। और किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। हाँ। कहाँ गई वो आय? किसान तो कह रहे 2022 तक हो गई, कहाँ हुई, किसकी हुई? कोई किसान की नहीं हुई, आधी आय हो गई और जितनी थी वो भी आधी हो गई। हाँ, नाराजगी है बिल्कुल। 2700 बोला था अभी मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने बोला था कि मेरी गारंटी है 2700 में गेहूं बिकेगा, कहाँ बिक रहा है? 2200 की तो गारंटी हर मंथ से कह रहे हैं कि भाई गारंटी है। और अब की बार जो सरकार बनेगी तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, कहाँ हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, सब दिखावा है, कुछ नहीं है। कैसे नहीं हो रही? अरविंद केजरीवाल देखिए अंदर है और भी लोग हैं, वो तो अभी भाजपा वालों के यदि ठिकानों भैया पार्टी में शामिल हो जाओ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पूरा माफ हो जाता है। भाजपा में शामिल हो जाओ बस, जो भ्रष्टाचारी है वो ईमानदार बन जाता है। क्यों लगता है आपको? लगता है ना भाई साहब, दिखता है वॉशिंग मशीन है भाजपा जो है, वो वॉशिंग मशीन है। भ्रष्टाचार जो करता है उसके बाद में भाजपा में शामिल होकर हो जाता है तो वो क्लियर, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, फिर वो पर पूरा साफ हो जाता है वो इंसान। भाजपा एक गंगा है, उसमें गोता लगा लो बस आपके पाप धुल गए। बताइए बीजेपी की 10 साल की सरकार देखी मोदी जी की, कैसी लगी? मोदी की सरकार बोलते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं क्या कर रहे हैं बताइए आप? करते कुछ नहीं साहब, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, ठीक है, सब बोलना है कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, ठीक है। आप बताइए क्या नाम है? श्याम सिंह ठाकुर। क्या सोच रहे हैं ठाकुर साहब की इस बार चुनाव में टक्कर कैसी है एनडीए वर्सेस इंडिया में? कांग्रेस की सरकार बनने चाहिए इस बार, जो 70 साल में कांग्रेस ने जो किया, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाए, जहाँ स्कूल कांग्रेस का था वहाँ मोदी जी ने पढ़े, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बनाई थी, जहाँ सरकार कांग्रेस ने बनाई वहाँ मोदी जी ने पढ़े और वहाँ से आज प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो वो शिक्षा थी उस सब आज की शिक्षा। कहते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, जो बनाए थे कांग्रेस ने वो रेल भेज दिए, हवाई जहाज भेज दिए, प्लेटफार्म भेज दिए, MPP भेज दिए, सब तो भेज दिए, क्या बचा है अब? हम लोग रह गए बिकने के लिए और हमको भेज दो। राजगी है, नाराजगी है जी, नाराजगी है। देखो 10 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो बेरोजगारों को इनने नौकरी का वादा किया 2 करोड़ लोगों को, वो नहीं दिए। महंगाई कम करने इनने बोला था कि हम 500 सिलेंडर, स्मृति ईरानी जब 350 सिलेंडर होता तो मुंह में रख के तोबा तोबा करती थी वो, आज 1100, वो क्या हुआ? अब 400 पार का नारा है बीजेपी का, कैसे देखते हैं इसको बताइए? लोग फटी चड्डी पहन रहे हैं इस देश में और बीजेपी 400 का नारा दे रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस पंचायती राज की बात हो रही है, ये पंचायती राज कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, ये बापू का सपना था, ये राजीव गांधी लेके आए थे, ये टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं ये राजीव गांधी लेके आए थे, ये मोबाइल एंड्रॉइड हमारे जेब में ही, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को गढ़ा है, इस देश को बनाया है, इस देश की आत्मा को बनाया है। बिजली पहुँचाने का काम किया, पानी पहुँचाने का काम किया, रेल देने का काम किया, आज लेकिन वो बीजेपी कहते हैं कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने किया है। हाँ किया ना उन्होंने, उन्होंने किया। गऊ के नाम पर गऊ मांस बेचने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रो के लिए चंदा लिया, जो गऊ मांस 6% इस देश के अंदर कट के बाहर जाता था, आज वो 28% कट के जा रहा है। ये किसकी देन है? ये इनकी देन है? ये किस मुँह से अपनी बात करते हैं? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद की थी, 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आएंगे, कहाँ गया वो काला दिन? 15 लाख को लेकर, लेकिन सुनिए मेरी बात, 15 लाख को लेकर अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के वक्त बोला जाता है, ये मन से बोलने वाली चीजें हैं। ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कायर लोग हैं। 11 बार लिखित में माफी मांगने के बाद भी सावरकरण को वीर लगता है, ये गद्दार हैं, इन्हें देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इस देश को आजाद कराने वाले लोग जिन्होंने इस देश को गढ़ा था, आज रेल में बहुत सारे लोग जाते हैं, रेल में आज सारा रेल अडानी को बेच दिया, पैसेंजर ट्रेन 3-3 घंटे खड़ी रहती है, पूरी रेल की पटरियां खराब हो गई, 3-3, 4-4 घंटे पैसेंजर ट्रेन खड़ी रहती है और अडानी की मालगाड़ी वहां से जाती है, ये देश का हाल है, पटाहाल कर दिया। आज 400 रुपए की टंकी 1200 रुपए में बिक रही है,
आज किसानों की आय दुगनी करने वाले मोदी जी पहली ही बैठक में, आज किसानों के लिए तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एमएसपी की बात हुई, 700 से 800 किसान मर गए, आपने भी देखा, और हमसे अच्छा तो मीडिया को पता है, ये सब आयोजन दिल्ली में हुआ था, आप दिल्ली से आए हैं। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं, लगता नहीं कि इससे कांग्रेस में काफी प्रभाव पड़ेगा? जब ईडी, सीबीआई, आईडी और पुलिस का डर दिखाओगे, दो प्रवक्ता चले गए, कोई बात नहीं, सबके साथ यही हाल है। आज आपकी मीडिया से ही मैं बात कर लूं, आज एनडीटीवी का चीफ कहाँ है, सारी मीडिया को खरीद लिया, सारे उद्योगपतियों के हाथ से सरकार चल रही है। मैं खुल के कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का और एनडीए का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की आम जनता का, गरीब जनता का, मध्यम वर्ग का और उद्योगपतियों के बीच का चुनाव है। ये उद्योगपतियों के दलाल हैं, ये पूरे देश को बेच के खा गए। ये बताइए, उद्योगपति इस तरीके से कई जो है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ थे, वो छोड़ के गए, उन्होंने कहा कि जो वेल क्रिएटर्स हैं उनको हम गाली देते रहे तो काम चलता रहेगा क्या? जो सनातन के नाम पर जैसे राम मंदिर में नहीं गए, वो मुद्दा भी वो उठा रहे हैं, तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं बार बार, अभी आज जो है रोहन गुप्ता चले गए। देखिए, राम की तो कोई विषय नहीं है, राम तो हर घर में है, इस माइक में है, आप में, हम में है, कड़कड़ में राम है, राम किसी के नहीं है, ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इस देश की जनता ने करोड़ों रुपए अपनी मेहनत की कमाई दी है, वो करोड़ों रुपए से इस देश के राम का, भगवान का मंदिर बनाए, हम सब राम को मानने वाले हैं। ठीक है, बताइए भाई साहब, 400 पार का नारा कैसे देखते हैं और क्यों देखते हैं, बताइए। आज लोग नौकरी करने के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि आप रोजगार दे सकते हो, आप दे सकने के स्किल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। देखो, 70 साल में कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता या सोनिया गांधी जी क्या कहती थी, भ्रष्टाचारी समस्या, भारत के लोगों को समझ नहीं आता था इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार इस समस्या, मतलब समस्या समस्या, आज क्यों नहीं हो रहा भ्रष्टाचार? वो कह रहे कि 10 साल के शासन, 10 कह रहे, देखिए काल में बात है, वो कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि जो जो जिन नेताओं पर जांच चल रही है वो बीजेपी में जाते हैं, अगले दिन जांच बंद हो जाती है, क्या जवाब है बताइए? देखो, जांच की बात तो अलग है, अब उनसे पूछा जाए, जब लोग ऐसी बात, देखो खिसियानी बिल्ली खम्मा लौचे, खिसियानी बिल्ली खम्मा लौचे, वो अब उनके पास जो लोग समझदार हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए। व्यापम घोटाला एशिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ, हमने नहीं करे, हमने नहीं करे, दुनिया का, एशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला क्या हुआ आज तक उसका, कितने लोग जेल गए, कितने युवा जान, गांव का एक किसान अपने लड़के बच्चे को पढ़ा रहा लिखा रहा, लड़के बच्चे को पढ़ा रहा लिखा रहा है कि राजधानी पहुंचा रही कोचिंग करे, अरे ज्यादा दूर मत जाओ, पटवारी घोटाला अभी पटवारी घोटाला कहाँ गए भैया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, जो घोटाला की बात कर रहे हैं, किस मुंह से घोटाला की बात कर रहे हैं भाई साहब आप, ये तो बताओ। लेकिन मोदी जी फिर भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है उस पर कार्रवाई होगी अगली बार में, मतलब तीसरे टर्म में, अरे वो 20 साल बाद करेंगे, अटल जी का टाइम से बोल रहा है, अटल जी का टाइम से बोल रहा है। अच्छा एक बात, एक बार सुनो भैया, व्यापम घोटाला कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, पटवारी घोटाला कितने दिन हो गए, पटवारी घोटाला कितने दिन हो गए, 7 से 8 महीने हो गए, क्या हुआ भैया उसके बताइए। अरे कोई भी चीज के लिए समय लगता है, ऐसा नहीं है तो समय लगे, पटवारी क्या है, पटवारी आपके जिसमें भी काफी लोग थे, आपके उसके सपोर्टर भी थे आपके, कौन पटवारी घोटाला क्या होता था क्या, ये कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता था क्या, समय लगता था क्या? मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीट थी, इस बार 29 की 29 भाजपा की रहेगी, इस बार 400 पार होगा और विवेक बंटी साहू जी सांसद बनेंगे। बताइए, कह रहे 400 पार बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में जिनका इलाज हुआ उनको घर से पैसे दिए हैं, आयुष्मान को इनका हुआ होगा, जब भक्तों का 400 पार के नारे कैसे देखते हैं भक्त लोग, 400 पार नहीं कांग्रेस करेगी इस बार कांग्रेस आएगी और कांग्रेस का बहुमत गठबंधन आ गया, इंडिया गठबंधन जीतेगा। आयुष्मान कार्ड की बताओ, 20 कार्ड बने ऑनली 20, ये आयुष्मान कार्ड, मैं सिम्स हॉस्पिटल गया था आयुष्मान कार्ड लेकर, जब वहां गया मैं इलाज करवाया, 10 डॉक्टर ने चेक करे मेरे को, उसके बाद में बोल दिए 1 महीना की डेट दे दिए उनने,
कि एक महीना बाद आप आना, इसका चेकअप करवाना। तो मैंने बोला इतने में तो मैं मर जाऊंगा और सब कर लूंगा मैं, मेरी मतलब अस्थियां बह जाएगी, मैं क्या करूंगा, हाथी पैर है बोला तुम्हारा। तो बोले वो एक महीने बाद लागू होगा सिम्स नागपुर का एम्स हॉस्पिटल। फिर मैंने प्राइवेट में इलाज करवाया जब मैं अभी ठीक हूँ। ये देखिए नहीं तो पैर मेरा देखो, ये पैर देखिए आप। अच्छा बताइए, अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? बीजेपी कह रही है 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं इतना, वो जो भी आए लेकिन हमारे लिए कमलनाथ महत्व है बस। छिंदवाड़ा जिला में कांग्रेस वो लगता है आपको, वो है साथ की साथ विधानसभा आई है और अभी भी नकुलनाथ आएगा। हाँ क्या किया है साहब? क्या किया? नहीं किया उनने। वो अभी मेरा दोस्त है, उसका भांजे को कैंसर की बीमारी हो गई थी, यहाँ पर गले की नली खराब हो गई थी। वो वैसे ही गए उसके यहाँ नकुलनाथ के पास, उसने पैसे दिया, मदद की, मदद किया उसने। क्या नाम है? दीपक वर्मा। क्या हो चुना है इस बार 24 का चुनाव? कांग्रेस आएगी भैया छिंदवाड़ा, क्यों लगता है? ओनली छिंदवाड़ा से हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस आएगी भैया, नकुलनाथ जी आएंगे। क्यों आएंगे? उनने काम किए, आधी रात को खड़े हो जाओ आप उनके यहाँ पे जाके, काम तुरंत सुनते हैं वो। हमारे जे बंटी साहू जी थोड़े ना सुनने वाले हैं। क्यों नहीं सुनने वाले? क्यों सुनेंगे? अरे बस भैया, उनको तो आज हम पहचान रहे, उनका घर तक नहीं देखे, शिकारपुर सबने देखा है ना। अच्छा ये बताइए कि दोनों में से दमदार कौन दिखाई दे रहा है फिलहाल ग्राउंड पे? दोनों में से दमदार कम नकुलनाथ जी हैं कांग्रेस में। अच्छा, वजह क्या? वजह काम किया उनने, वैसा काम किया है। अच्छा करे भी हाँ। तो बात करो जो साहब साहब अच्छे आदमी का बंद करवा दे। हाँ कानून कानून भाई भाई के झगड़ा में हमें अंदर जहल भोग के आओ मैं। हाँ सजा मिलती है कानून। कौन बढ़िया लग रहा है इस बार छिंदवाड़ा से? छिंदवाड़ा से कमलनाथ है, नकुलनाथ है। हाँ वो नकुलनाथ आएगा अंदर भाई, हम भाई भाई को झगड़ा में। कानून प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आप भी जानते हो। अब कोई जेल जाने के बाद कहने लगे कि मैं जेल गया तो गलती हुई होगी, जब जेल जाता है। चलिए भैया देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता है और इसी तरीके से आगे भी आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि रात का वक्त है। आप वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आगे भी लगातार आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।